तो एग्जाम्पन्स ऑफ रिपीटेड मेयर और पेयर्ड साम्पल टीचर्स आई नॉट गो मच इन टू डिटेल क्योंकि उसके लिए आप वही सारी वीडियो दोबारा देखें जिसमें एग्जाम्पन्स ऑफ हमने इंडिपेंडेंट साम्पल टीचर्स किए देर मोर ल सेम लेकिन जस्ट क्विकली वी विल रिव्यू कि एग्जाम्पन्स ऑफ पेयड साम्पल टीचर्स क्या है पहली हमारी जो है वो लेवल ऑफ मेयरमेंट है जैसे हमने पहले कहा है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का लेवल जो है वो इंटरवल uh, रेशो होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लेवल हमारा जो है वो कैटागोकल uh, होगा या फिर नॉमिनल होगा हमारा रैंडम सैम्पलिंग होना चाहिए वी हैव टॉक्ड इन डिटेल हमारी इंडिपेंडेंस की ऑब्जर्वेशन अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी पेयर्ड um, सैम्पल के लिए हमारी इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि अक्रॉस टू ग्रुप्स इंडिपेंडेंट हो बल्कि हमारा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि विद इन वन ग्रुप जो हमारा सैम्पल है सारा दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सो जो हमारा एक ग्रुप है जिसको हमने दो दफ़ा टेस्ट किया है विद इन दैट ग्रुप द ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट इन सांपल शुड बी इंडिपेंडेंट अदर फिर हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है बिल्कुल उसको हम टेस्ट भी करेंगे चेक भी करेंगे उसी तरह जिस तरह हमने इंडिपेंडेंट सांपर टी टेस्ट में किया है उसके बाद हमारी ये बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल uh, डिस्ट्रीब्यूशन की जम्शन को चेक करने के लिए uh, हमने पहले अपना वेरिएबल कंप्यूट करना है पेयड सांपर टी टेस्ट में जिस वेरिएबल के ऊपर आपने सारा करना है उसका वो डिफ्रेंस का वेरिएबल uh, होगा सो so, आप जाएंगे Uh, सबसे पहले कंप्यूट वेरिएबल के अंदर और आप अपना डिफरेंस का वेरिएबल कंप्यूट करेंगे तो यू विल कैलकुलेट द डिफरेंस बाय सेंडिंग बिफोर एंड देन हिटिंग अ माइनस बटन एंड देन सेंडिंग आफ्टर यू विल क्लिक ओके बटन और ये ट्रांसफॉर्म कर देगा वेरिएबल uh, को uh, एक नए वेरिएबल में जो कि डिफरेंस का कॉलम आपका क्रिएट कर देगा उसके बाद uh, हमारी नॉर्मल uh, डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमने जम्शन एस के अंदर टेस्ट करनी है वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इंडिपेंडेंट साम्पल में टेस्ट की है अब हमने जो नया वेरिएबल कैलकुलेट किया है डिफरेंस वाला हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल में सेंड करेंगे और फैक्टर लिस्ट में हम कोई भी चीज़ सेंड नहीं करेंगे हम स्टेटिस्टिक्स को हिट करेंगे और उसके बाद हमारा ये वाला विंडो खुलेगा और उसमें हम डिस्क्रिप्टिवस और आउटलायर्स को चेक करेंगे बिल्कुल उस तरह से जैसे हमने पहले इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में किया है अगेन वी विल सेलेक्ट बोथ ताकि वो प्री और पोस्ट टेस्टिंग दोनों के लिए हमें हिस्टोग्राम बना के दे और चार्ट बना के दे उसके बाद हमारी जब हम कर लेंगे तो हम उसमें प्लॉट्स पे जाएंगे इस वाली विंडो पे तो ये खुलेगा और इसके अंदर हम हिस्टोग्राम को चेक करेंगे और नॉर्मेलिटी प्लॉट चेक करेंगे जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारा पी पी क्यू क्यू प्लाट जो है वो कर देगा जो हमने पहले भी इंडिपेंडेंट साम्पर टीटस के अंदर देखा है ये हमारी उसकी आउटपुट आ जाएगी जिसके अंदर हमारा उसने डिस्क्रिप्टिव सारे दे दिए हमने डिस्क्रिप्टिव चेक किया था तो उसने हमारी सारी मीन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन और हमारी स्क्यूनेस की वैल्यू और हमारी कर्टोसिस की वैल्यू भी दे दी है हमने इंडिपेंडेंट साम्पल टीटस करते हुए बात की थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जम्पन को चेक करने के लिए हम हिस्टोग्राम नॉर्मल कर्व नॉर्मल स्टिस्टिकल टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं कॉलमोग्रोवोर्ड शपेरो uh, टेस्ट और पी पी प्लॉट्स के जरिए भी चेक कर सकते हैं और साथ में हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू भी देख सकते हैं इसकी वैल्यू अगर हमारी पॉइंट फाइव प्लस माइनस के अंदर है तो वो अप्रॉक्सीमेटली uh, हम कहते हैं कि नॉर्मल है लेकिन वन से अगर ग्रेटर है तो वो प्रॉब्लमेटिक है लेकिन एक और तरीका जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू को चेक करने का होता है उसमें ये कि अगर आप स्टैंडर्ड एरर को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करें और फिर उसकी वैल्यू इफ़ इट इज़ स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाइड बाई थ्री इफ इट इज स्माल हम कहते हैं कि स्क्यूनस नहीं हैलर देन द्री टाइम्स स्टैंडर्ड एरर वैल्यू एंड सेम इज फॉर द करोसिस आप रफली ये चेक कर लें कि ये पॉइंट फाइव प्लस माइनस है अंदर अंदर हो टू से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है सो so, इसको हम चेक कर सकते हैं उसके बाद ये हमारे प्लॉट्स हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं डेटा साइज स्मॉल है सेवन का डेटा है अगेन नॉर्मेलिटी लग रही है ये एक डॉट है बाकी सारे हमारे पी पी क्योंकि प्लाट के अंदर भी दे आर ऑन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स के ऊपर ही हमारे वैल्यूज़ आ रही हैं और ये हमारा कॉलमोग्रोफ स्मरनव टेस्ट है जो तो हमने पहले ही बात की है दिस वैल्यू शुड बी नॉन सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ एक्चुअली वेन एवर दिस इज ग्रेटर देन पॉइंट जीरो फाइव इट मीन्स हमारी नॉर्मेलिटी की जम्पन जो है वो हमारी मीट हो रही है और ये यहाँ पे मीट हो रही है इसको हम एक्चुअली रंग करके भी स्पेसेस में देखेंगे इनवा